नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा लाने का काम करेगी। रामबन वालों मुझे बताओ, दूसरा झंडा चाहिए क्या आपको? जोर से बोलो, चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, कितना भी जोर लगा दो, जम्मू कश्मीर में अब एक ही झंडा रहेगा, हमारा प्यारा तिरंगा रहेगा। ये लोग धारा 370 और 35A वापिस लाना चाहते हैं, आप इससे सहमत हो क्या? मैं आज रामबन की भूमि से घाटी के भाइयों को भी, विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भी, बहनों को भी पूछना चाहता हूं, क्या दिया थे 370 और 35 ने? गरीबी, भूखमरी, ठंड, बेरोजगारी, गुर्बत और आतंकवाद, ये सारे जो 370 के बेनिफिशियरी है वो घाटी का या यहाँ का ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना बौद्ध है, ना सिख है, इसके बेनिफिशियरी ये तीन परिवार ही है, तीन परिवार ही, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। लोग 370 लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकी वाद आग में झोंकना चाहते हैं। भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करें, मैं आज स्पष्ट कर देता हूं, किसी भी स्थिति में जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी, कोई बात। वो एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, जिस एलओसी के ट्रेड से यहां पर आतंकवाद का पोषण हुआ वो शुरू करना चाहते हैं। मैं बताता हूं उमर अब्दुल्ला, कितने भी साल मेहनत कर लो, जब तक आतंकवाद को पाताल तक दफन नहीं करेंगे, ट्रेड चालू नहीं होगा, आप ये मान लो। भाइयों बहनों, आतंकवादी घटनाओं में, पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों को वो छोड़ना चाहते हैं, नौकरियां देना चाहते हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, जो हाथ में लैपटॉप और तिरंगा लेकर आएगा, इसके लिए मोदी जी ने नौकरी की व्यवस्था की है, और जिसके हाथ में बंदूक होगी इसके लिए जेल की सलाखें भी तैयार रखी है।